हम मेहनत कस इंसानों ने जब अपना हिस्सा मांगा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सी झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। कभी कभी मैं जब तुम्हें डांट देता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है बोर्ड से, और आप दोबारा क्वेश्चन करते हो तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मेरा बच्चा भी इसी तरीके का सोच रहा होगा या नहीं कर पा रहा होगा, तो मुझे दोबारा बताना चाहिए और मैं फिर बताता हूँ। तो इस वक्त हम लोग श्री साई जो है इंटर कॉलेज जो है वहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं जिन्होंने दावा किया था पॉडकास्ट में हमारे साथ जब इंटरव्यू हुआ था। 12 तारीख को रिजल्ट आ रहा है जेई मेंस का। मैं समझता हूँ कि 12 बंकी की धरती पर ये पहला रिजल्ट ऐसा होगा जो साई इंटर कॉलेज बड़े ग्रंथ देने जा रहा है। कि आप 13 तारीख को देखिएगा, हम इतिहास रचने जा रहे हैं जब जेई का रिजल्ट आएगा। तो आज वो रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बारे में पहले हम इनसे बात करते हैं, इस परीक्षा के बारे में। सुरेंद्र जी, बड़ी खुशी की बात है, जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन किया था लगभग वही रिजल्ट आया है। थोड़ा 19-20 रहता है, कुछ बच्चों का एक्सपेक्ट किए थे कि 99% आ जाएगा, तो हो सकता है वो 98.8 पे रह गए या 98.5 पे रह गए, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में जो अप्रैल में होने वाला है, मैं समझता हूँ कि वो कायदे का फोड़ेंगे और जितने नंबर पाए उससे आगे आएंगे। थोड़ा सा पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो बच्चे युवा हैं देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, कि जेईई का पूरा एग्जाम किस पैटर्न पे कैसे होता है। एक्चुअली में क्या है कि जेईई की 2 परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जेईई मेन्स और जेईई एडवांस। जेईई मेन की परीक्षा में भी 2 अटेम्प्ट होते हैं, 1 फरवरी अटेम्प्ट और 1 अप्रैल अटेम्प्ट। उसके बाद इनमें से जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं वो जेईई एडवांस में जाते हैं। जेईई मेंस के बेसिस पर बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस आते हैं जिनमें मुख्य रूप से NITs, IIITs और इसके अलावा GFTI कॉलेजेस और UPTU के जितने भी कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं वो सब मैक्सिमम इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद जेईई एडवांस की जो परीक्षा होती है उससे IITs के जो है दरवाजे खुलते हैं। ये जो आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसकी तैयारी कब और कैसे शुरू हुई थी? एक्चुअली मैं बहुत सालों से हमारा एम्बिशन था कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि बच्चे एकेडमिक में अच्छा करने के बाद जब कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट होते हैं और टीचर भी डिसअपॉइंट होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एकेडमिक के साथ बच्चों को रूट लेवल पर काम किया जाए जिससे वो ग्रो करें और एक एकेडमिक अच्छा होने के साथ साथ तो कंपटीशन में भी कर पाएँ। तो इसलिए मैंने कंपटीशन में एक कदम रखा कि बच्चा बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी इंटर के साथ ही क्वालिफाई करें। पहले जब एक टीम खेलती है ग्राउंड में जाके और उसके जो खिलाड़ी होते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उसके पहले उससे पीछे टीम वर्क होता है, एक पूरा मैनेजमेंट होता है जो रात दिन मेहनत करता है, उसके बाद वो परफॉर्मेंस आती है। तो हम उन खिलाड़ियों से, उन बच्चों से जिन्होंने नाम रोशन किया, हम बाद में बात करेंगे। पहले जो मैनेजमेंट है जिसने उनको सींचा और सींचने के बाद उनको एक फल देने वाला वृक्ष बनाया, हम उनसे बात करते हैं। टीचर, क्या नाम है आपका, क्या शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? पढ़ाता हूँ। कैसे आपने इन बच्चों को मतलब वो तैयारी कराई इतने टाइम? सर देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो फंडामेंटल्स को लेकर के होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लियरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ बच्चे का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट टेस्ट होना और टेस्ट पेपर्स का एक लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, और कोर्स कम्प्लीट होने के बाद रेगुलर प्रैक्टिस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप कहाँ थे? सर मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट कई सारे नेशनल ब्रांड्स में पढ़ाया है। मैंने फिटजी से अपना करियर स्टार्ट किया है, मैंने फिटजी में पढ़ाया है, मैंने आकाश में पढ़ाया है, मैंने रेजोनेंस में पढ़ाया है, मैंने कुछ बाहर की कंपनीज के लिए भी एजुकेशन में काम किया है। हम लोग देखते हैं जो आज बड़े टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर कोटा चले जाते हैं, कहते हैं कि उनका नाम हो जाएगा, वहाँ पढ़ाएंगे कोचिंग में। अब 12 बंकी एक छोटे जिले में। सर मैंने अपनी टीचिंग का मैक्सिमम टाइम दिल्ली में कालूसराय में दिया है, जो यहाँ नॉर्थ का सबसे बड़े हब्स में से एक है ITJEE की प्रिपरेशन का। मेरे मन में शुरू से ये था कि मुझे अपने शहर, अपने घर के पास, अपने स्टेट में कुछ काम करना है, और जब सर से बात हुई मेरी, सुरेंद्र वर्मा जी से, तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ प्लान है, तो फिर मैं वहाँ से यहाँ आ गया और पिछले 4 साल से यहीं हूँ, और यहाँ पे भी कोटा जैसा माहौल बन रहा है। आपको मैं बताऊँ, हमारे क्लासरूम में
सिलेक्शन परसेंटेज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे लखनऊ और आसपास में भी किसी स्कूल में जेई मेंस का ऐसा है ही नहीं। हमारे पास एक बैच में करीब 30-32 बच्चे थे और उसमें से 25 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं, 90% से ऊपर आए हैं। मैं दावा करता हूँ इस बात का कि आसपास में दूर दूर तक ऐसा कोई विद्यालय आपको नहीं मिलेगा। अरे क्या बात है, आपसे बात करेंगे सर, क्या गुड नेम है? सर शाहजहां खान, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। साहब आप कहाँ थे इससे पहले? जी सर कहाँ थे इससे पहले आप? मैं ग्रेविटी क्लासेस में था सर, लखनऊ कैरियर पॉइंट, कई नेशनल ब्रांडों में काम कर चुके हैं सर, कोटा में भी कैरियर पॉइंट में हमने कुछ दिन तक काम किया वहाँ भी। जब आप यहाँ आए बाराबंकी में इस कॉलेज में ज्वाइन किया तो जो बच्चे थे इनमें कॉम्पिटिटिव कितनी भावना थी क्रैक करने की? सर देखिए बच्चों के अंदर लगन तो थी, लेकिन उनको वो रास्ता दिखाने की ज़रूरत थी। तो कंपटीशन का एक जैसे है तरीका होता है उसके प्रिपरेशन का, वो चीज़ हम लोगों को इनके साथ और सर ने भी अपना अनुभव शेयर किया और बच्चों के साथ हम लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया और बच्चों ने हमारे साथ लगातार मेहनत की और उसका ये नतीजा आया है कि आज हम लोगों ने 99% तक के बच्चों के रिजल्ट दिए हैं और 32 बच्चों में से 25 बच्चों का सिलेक्शन देना, ये जो रेशियो है ये बहुत बड़ा रेशियो है। तो कितना मुश्किल होता है कि साथ मतलब कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कराना बच्चों? ये सर मुश्किल नहीं होता, जैसे न्यूटन का नियम है सर, वो तीनों बदल नहीं जाएगा, अप्लीकेशन बदल जाता है और उस अप्लीकेशन को बच्चे के पास कैसे पहुंचाना है और उसका कहां किस की तरह से अप्लाई करना है, ये चीज़ बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होती है और इस चीज़ पर हम लोग काम करते हैं, इसी पर फोकस करते हैं कि उस लेवल तक हम बच्चे को कैसे ले जाएं। बोर्ड के प्रिपरेशन में और आईआईटी में बस थोड़ा सा फर्क होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, बस एप्लीकेशन बदलते। तो जो बच्चे आपने आप पहले रखा होगा यार इन बच्चों से हमको उम्मीद है कि ये जरूर जो है क्रैक करेंगे, वही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं? हाँ वही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन्हीं बच्चों को हम लोगों ने 30-32 बच्चों को जो निकाला था सर उसमें से 25 बच्चों का हम लोगों ने सिलेक्शन किया। हाईएस्ट कौन सा बच्चा है? हाईएस्ट हमारे यहाँ सक्षम तिवारी है। हाँ है सक्षम तिवारी। सक्षम तिवारी, हाँ सक्षम जी अभी मुलाकात हुई, कितना आपका आया परसेंट है? 99.42। क्या सोचा था आपने? सोचा था 99.56 के अराउंड आ जाएगा, थोड़ा कम है लेकिन सही है। अच्छा जब टेंथ कहाँ से किया था आप? सेंट एंथनीज से। फिर यहाँ कब आए आप? अभी पिछले साल 11th में आए थे। क्यों यहाँ क्यों आ गए थे एंथनीज से आप? एंथनीज में मेनली एकेडमिक पढ़ाई होती है और मुझे थोड़ा कॉम्पिटिशन के लिए जाना था तो मैं यहाँ आ गया। आपने सुन, आपको लगा था कि यहाँ आएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा है? तो यहाँ आने के बाद क्या फर्क देखा है एंथनी और यहाँ? एंथनीज में जैसे स्पोर्ट्स इवेंट ये बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, थोड़ी गड़बड़ रहती है, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे टीचर्स भी लगातार रेगुलरली एक साथ हेल्प कर रहे थे हमारी। स्पोर्ट्स भी तो ज़रूरी है। हाँ लेकिन यहाँ वहाँ पे जैसे कि कई सारे फेयरवेल जैसे ऐसे वो सब होते रहते हैं तो जिसकी वजह से कोई अगर पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया पाता है, पार्टिसिपेशन के चक्कर में कई बार पढ़ाई को ध्यान ही नहीं देता है। क्या टारगेट था आपको जब यहाँ आए थे कि क्या बनना है आपको? पहले से ही लेके चल रहे थे कि इंजीनियरिंग में जाना है हमको? आगे आगे और क्या क्या इरादा है? तो एरोनॉटिकल्स में जाना चाहते हैं, एरोस्पेस की रिसर्च करना चाहते हैं। ये जो है आप क्या समझते हैं कि और जो बच्चे हैं जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं दूसरे स्कूलों में कर रहे हैं जहाँ भी कर रहे हैं तो उनको अपनी पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी क्या है लक्ष्य को पाने के? उन लोगों को बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखें और अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखें, मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे रिवीजन करते रहें, क्या है फार्मूला? क्या जो आपको पढ़ाया जाए वो आप जाके रिवाइज करिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो उससे ये होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी आगे आने वाले। जब लास्ट में आप रिवीजन करेंगे जाके तो वहाँ पे सब कुछ पहले से आपको थोड़ा बताता रहेगा। घर पे जाके आप कितने घंटे पढ़ाएंगे? ऐसा कभी गिनते नहीं थे लेकिन जाके पढ़ते ही थे। सब्जेक्ट वाइज कैसे बना? सब्जेक्ट वाइज जैसे कि मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट आती है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना था, पर केमिस्ट्री मेन स्कोरिंग होती है तो उस पर भी टाइम देते थे, फिजिक्स थोड़ी मेरी ज़्यादा अच्छी थी तो उस पर ज़्यादा टाइम देते थे। घर पे भी कोई सपोर्ट करता था कि टीचर्स इनफ थे आपके, यहीं से सब पूरा कम्प्लीट हो जाता? यहीं से हो जाता था। मोटिवेशन कहाँ मिला, किससे मिलता था आपको कि यार हमको इनकी तरह बन? कोई हीरो है आपका? स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट आपको किसी तरीके का कि बिल्कुल टाइम ही नहीं सिर्फ पढ़ाई करना है? नहीं नहीं सर क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में कौन फेवरेट है? धोनी। क्रिकेट के लिए वक्त कैसे निकालते थे? एक दो महीने में एक बार खेलते थे। सर
स्कूल में यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है बिल्कुल। नहीं, स्पोर्ट्स होते हैं लेकिन प्राइमरी के बच्चों को और जूनियर के बच्चों को हम लोग कराते हैं। 11-12 के बच्चों में इतना प्रेशर रहता है पढ़ाई का कि वो बेचारे उसी में जूझे रहते हैं। फिर भी हम इन बच्चों से कहते हैं कि संडे वगैरह में आप टाइम निकाल के कहीं ना कहीं प्ले ग्राउंड वगैरह घर के पास में आप लोग स्पोर्ट खेलें। चलिए ये बेहतर है, आप जिस चीज में बेहतर उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आपका कितना परसेंटेज? तो क्यों कहीं कुछ कमी रह गई क्या? कमी कहीं नहीं रह गई, बस थोड़ा ध्यान नहीं दिया है कहीं कुछ टॉपिकों पर। पढ़ाई में तो जो यहाँ पे यहाँ की कोई कमी नहीं थी? यहाँ कमी नहीं थी, यहाँ सभी टीचर्स सही से ध्यान देते थे, बस हमें कहीं लापरवाही कर दी है। चलिए लापरवाही नहीं यार, हो जाता है कभी कभी लाइफ में, है ना। तो आ जाओ, क्या नाम है भाई? सर महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह, क्या है इनका आपका परसेंटेज? सर 95.5। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर से भी बात करेंगे, सर को तो बहुत पुराने परिचित हैं, हम जान रहे हैं इनका भी बड़ा खेल है इन लोगों को बनाने में। तो तुम बताओ यार भाई, तुम यहाँ 10th कब से पढ़ो यहाँ पे? 11 से यार ये सब। अच्छा, वो बाद में ही आपकी वो शुरू हुई है ना, तो इससे पहले कहाँ पे थे? सर इससे पहले हम अपने गाँव में पढ़ते थे। अरे क्या बात है, कौन सा गाँव है? सर यहाँ सेवा के पास है, एक सब्दीपुर। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? सर ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, अरे क्या कह रहे हैं, गाँव में भी ऑक्सफोर्ड है। तो फिर 10th में क्या परसेंटेज थी आप? सर 10th में हमारी परसेंटेज थी 89। यहाँ फिर क्यों आ गए, सुन के आए आप? नो सर, हमने पहले से प्लान बनाया था कि हमको IIT JEE का पेपर देना। मतलब साई वालों बिल्कुल छा चुके हैं, जिसको पता है कि यार अच्छी तैयारी करनी है तो साई जाएगा। यस सर। अच्छा, क्या करते हैं पापा आपके? सर पापा हमारे फार्मर हैं। फार्मर हैं? यस सर। मम्मी? सर मम्मी हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ। तो कैसे पढ़ाई वढ़ाई संभव हो पा रही थी, घर में सपोर्ट किससे मिलता था? सर घर में मतलब हम घर पे अपने बहुत कम रहे, हम ज्यादातर अपने मामा के साथ हैं। यहाँ भी रहते हैं तो मामा के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ पढ़ते हैं। मामा मतलब मामा यहाँ क्या करते हैं आप? सर मामा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं बस। बहुत बढ़िया। ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग गांव में रहते हैं या शहर में कहीं भी रहते हैं, उनका जो लक्ष्य है वो आगे बढ़ने का है, और जब आप लक्ष्य कोई बना देते हैं तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके। क्या नाम है भैया आपका? मुदित वर्मा। मुदित वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो। कितना परसेंटाइल है आपका? 98.93%। बहुत शानदार। तो ये बताओ कि क्या लग रहा था जब तुम भी यहाँ फर्स्ट ईयर से ही आए थे? 9th में। अच्छा, 10th में कितने परसेंट? 10th में 86%। 12th की तैयारी कैसी हुई थी? सेवी थी, ड्यूटी थे बताते थे वही। तो इसमें क्रैक किया एग्जाम आपने, तो क्या लग रहा था कि इस बार आपको सिलेक्शन पक्का है? जी मतलब सिलेक्शन तो पक्का था, लेकिन रैंक का देखने से। तो कैसे पढ़ाई होती थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? एवरेज देखें तो 7 घंटे। जो आजकल का यूथ है वो कोई इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बनना चाहता है, नेता क्यों नहीं बनना चाहता? नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत है नहीं, आप जैसे ही बन सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं आएंगे तो देश का यही हाल रहेगा, जैसे नेता लोग होते हैं। हाँ, बात सही। तो आगे चल के बन सकते हो नेता कि नहीं, वो तो किस्मत ही बताएगा। सर आप आइए, आपसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप ये इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, नेता क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? सर जो इंजीनियर पैदा होगा वो भविष्य में नेता बन सकता है, लेकिन नेता इंजीनियर नहीं बन सकता। चाइना में कहते हैं कि जो MLA होता है उसमें BTech जरूरी है और सांसद के लिए MTech होना जरूरी है। कुछ ऐसा माहौल बनना चाहिए अपने देश में। बदलेगा सर, बिल्कुल बदलेगा। 3 साल में आप साई इंटर कॉलेज में आप देख रहे हैं माहौल बदलते हुए। इसमें बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेहनत की जाए तो किसी भी काम को हम लोग अचीव कर सकते हैं, किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। गाना याद आ रहा है मुझे इसमें, हम मेहनत कस इंसानों ने जब अपना हिस्सा मांगा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। बहुत बढ़िया बात है, और आप सब ये टीम वर्क नजर आ रहा है यहाँ पे जो है। तो ये बताइए, जब उस माहौल में और आज के माहौल में जब स्टार्ट हुआ था ये कॉलेज और 2 साल हो रहे हैं, क्या फर्क आया?
सर अब धीरे धीरे यहाँ पर और जो हम मुझे लगता है कि हम और अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो कमियाँ कहीं रह जाती हैं हमसे, क्योंकि हर रिजल्ट हमें कुछ नया सीखने को देता है, तो हर बार जो हम लोग पिछले सालों से कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी कमी रहेगी उसको हम लोगों ने दूर किया, और मोस्ट कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट रिजल्ट होता है उसमें हम इससे भी बढ़िया पढ़ें। ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि रूरल से आपके यहाँ आ रहे हैं, वो जब बच्चे आते हैं दूसरे स्कूलों में पढ़ के तो कितना टाइम आपको लगता है कि उनको उस पर चाक पिलाने में? कभी कभी बच्चे बहुत हिंदी माध्यम के आ जाते हैं। सबसे खास बात यहाँ की फैकल्टी की ये है, आप हिंदी में पढ़ें, आप अंग्रेजी में पढ़ें, किसी में भी पढ़ें, अगर आप कोकअप करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हर हाल में तैयार हैं, यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। आधा आधा एक एक घंटा बाद स्कूल के बाद फैकल्टी रुक कर जाती है कि अगर हिंदी में दिक्कत आ रही, इंग्लिश में दिक्कत आ रही, बच्चे को हम किसी भी तरीके से कोकअप कराने के लिए रेडी होते हैं। ये खान साहब, जो मीडियम का फर्क होता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का, इससे कितनी मुश्किल आती है बच्चों को? मुश्किल आती है इससे सर, लेकिन अगर बच्चा मेहनत करने को तैयार हो तो 2 या 3 महीने लगते हैं उसको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने में। बच्चा बस मेहनती होना चाहिए सर, और वो साथ दे हमारा, तो हम उसके साथ स्कूल के बाद 2 से 3 घंटे तक लगे रहते हैं और उसकी सारी समस्याओं को सुनते हैं, और जो इंग्लिश और हिंदी का जो समस्या होता है उससे उसको दूर कर सॉल्व कर देते हैं। कितने समय पे आप टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों? फोर्टनाइटली टेस्ट होता है सर इनका, सर, और 490 टेस्ट में बच्चे जो परफॉर्म करते हैं, हमारे यहाँ के जो रेगुलर बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका रिजल्ट सामने दिख रहा होता है सर, उसमें जो टॉप है वो आज भी टॉप। तो ये बताओ कि सर लोग पिटाई विटाई करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, पिटाई अगर पढ़ते नहीं तो पिटाई करेंगे। अच्छा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड हो गया है ना कि जैसे बच्चों की पिटाई सर कर देते हैं तो फौरन उनके पेरेंट्स पहुंच जाते हैं शिकायत लेके, यहाँ नहीं होता था ऐसा? नहीं सर, यहाँ पे सर लोग मतलब डांटते थे, समझाते थे, अगर बहुत ज्यादा होता था तब पीटते थे, इसलिए तो पेरेंट्स आते नहीं। मतलब गलती होगी तो पीटना चाहिए, मतलब लेकिन थोड़ा देख के पीटना चाहिए, है? पीटे तो है ही नहीं है, कभी कभी अगर हो गया तो देख दाख के थोड़ा बहुत मार देते हैं बस। ये क्या नाम है तुम्हारा? सर आयुषी। कितने परसेंटाइल आए तुम्हारे? 98.5। क्या बात है, और एकदम चुपचाप कोने में खड़ी होगी, कोई बात ना करे, पापा को पता चला? कब पहली न्यूज कब मिली थी तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? सुबह। पहला रिएक्शन पापा मम्मी का क्या था? अच्छे आए। क्या तुमने क्या सोचा था? तो इतना ही सोचा था लगभग। अच्छा, आगे फिर तुम क्या देश के लिए क्या करना चाहती हो? तो पहले खुद के लिए कुछ करेंगे ताकि इतने काबिल बन सके कि देश के लिए कुछ कर सके। जो लोग हैं जो काबिल हैं जो बैठे हुए वो कर रहे हैं देश के लिए कि नहीं? वो तो उन पे डिपेंड करता है वो कैसा क्या कर रहे हैं। अरे कोई बच्चा, कोई मतलब तुम लोगों को लगता है कि कोई हमारा मतलब बड़ा लीडर या हमारी सरकारों को, चाहे वो स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, उनको ये चेंज लाना चाहिए, कुछ महसूस करते हो तुम लोग? हाँ हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सर आदर्श। आदर्श बताइए भैया। सर चेंज लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग के गाँव में अब इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग जो है पढ़ सकें अच्छे से। अभी खैर इंटरनेट का मतलब दौर आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें सुधारने को हैं। जो है सर, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सुधार चाहते हैं? एजुकेशन में, मेडिकल में, किस में सुधार चाहते हैं? सर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में ही सुधार चाहिए, और सुधार होना ही प्रगति है, तो प्रगति ही जो है वो हमारे देश को बढ़ाएगी आगे। सर ये बताइए कि ये जो अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ड्यूअल स्टैंडर्ड है, एक तरह जो सरकारी स्कूल है जहाँ पहले सब पढ़ते थे और कितना नाम करते थे, उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल है लेकिन प्राइवेट में सब लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसमें सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग जैसे इक्वलिटी का राइट सबके पास होना चाहिए, एजुकेशन का राइट सबके पास होना चाहिए, तो कोशिश करके सरकार को ये चाहिए कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए ताकि बच्चा अच्छा सा पढ़कर वहीं से अपना कंपटीशन निकाल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हमजा अंसारी। कहाँ रहते हैं आप? सर यहीं पे नाक रहते हैं। क्या करते हैं पापा आपके? गवर्नमेंट टीचर। और घर में कोई आपसे बड़ा, कितने भाई बहन हैं? मेरे सर एक भाई है और 2 बहन। तो आपकी पहले 10th कहाँ से किया था आपने? सर 10th भी मैंने, 9th 10th है इसके। तो क्या टारगेट लेके चल रहे थे आप? सर पहले तो सर 10th तक NTSC एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर वो कोरोना की सर नहीं हो पाया, उसके बाद सर 11th से जेई की प्रिपरेशन। ये जो बच्चे जैसे आप जैसे बच्चे हैं जो एकदम पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाते हैं, ये सीरियसनेस कहाँ से शुरू होती है, कैसे आती है? सर
सर अपने जो और बच्चे हैं उनके लिए बताइए। सीरियसनेस जैसे आप जो आपका जो ड्रीम है जब उसको देखेंगे तो वो इतना मतलब कि इतनी अच्छी आपको फैंटेसी हो जाती है, बहुत मतलब उसके लिए आपको प्यार हो जाता है, तो उसकी वजह से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सीरियसनेस भी आ जाती है अल्टीमेटली। जब से ड्रीम देखना शुरू किया जब आपने खेल वेल को किनारे कर दिया? खेल सर खेल किनारे नहीं किया, आज भी सर बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब कि मेरा पूरा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम खेलने का भी पार्ट है। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। स्पोर्ट्स में नहीं निकल सकते? आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में निकल इतना सर हमने अभी टारगेट के लिए अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते तो मतलब कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा वो मेहनत मांगता है, पार्टिकुलरली उसी चीज़ में रहना पड़ता है सर। तो उसके बाद घर से कैसे सपोर्ट मिलता था आपको? घर से सर पूरा सपोर्ट रहा है और सर हमेशा से मतलब कि पढ़ते जाओ बाकी जो होगा तो देखते जाए। मतलब एक सवाल आजकल बहुत है, एक सोसाइटी के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, नहीं रोज सुनने को मिलता है, उससे आदमी एक डिस्टर्ब होता है कि सर अजीब सा माहौल हो रहा है। बहुत से इंडिया के जो यूथ हैं जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कहीं बाहर शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसलिए कि उनको अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कैसा क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट? हाँ तो बच्चे से क्योंकि इंडिया में सर जॉब के लिए ज़्यादा सर वो हो रहा है, कोई रिसर्च में नहीं जाना चाहता, मतलब आप कोई भी जे एडवांस के टॉपर्स को देख लीजिए, जैसे चित्रांग मुर्दियाँ हैं वो सर वो सब बाहर से एब्रॉड, तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पे जहाँ जैसे आईआईटी बॉम्बे में बहुत सब लोग जॉब प्लेसमेंट्स के लिए बहुत पढ़ते हैं उसी, और सर जैसे कोई रिसर्च एटीट्यूड नहीं है किसी का, तो सर इसलिए लोग बाहर जाना चाहते हैं और सेटल भी हो जाते हैं उसके बाद जॉब के लिए। सर जो MIT जो बाहर के इंस्टीट्यूट है सर वो बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं सर कि हिसाब कितना सर आप अपने ब्रेन को और सर कुछ मतलब कंट्रीब्यूट करता है। आजकल का जो पीरियड है इसमें जॉब की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है ना, तो गवर्नमेंट को क्या क्या उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? सर जॉब के लिए मतलब कि सबसे पहले तो सर एजुकेशन जब होगा तो सर अपने आप सर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, एजुकेशन होगा और सर साथ में कुछ मतलब पढ़ाई में ही नहीं सर अगर गवर्नमेंट से और इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दे तो उससे भी जॉब आपका कम। क्या नाम है आपका? चंदन यादव। यादव जी बिल्कुल बड़ा खामोश खड़े थे, क्या बात है? आप इंतजार कर रहे थे तो यार आपने आवाज़ भी नहीं, हम तो कह रहे थे कि कोई यार कुछ बताना चाहे कुछ, ये बताओ कि समाज को बदलने का कोई वो नहीं अंदर भावना? सर है बिल्कुल है, समाज के बदलने के लिए तो एजुकेशन के फील्ड में है सर। अच्छा सर, अगर हम कामयाब बनेंगे तो लोग हमको देख के कामयाब बनेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे सर। ये समाज को एक आप एक JEE बन जाएंगे ये मतलब इंजीनियर बन जाएंगे तो आप समाज कैसे बदलेंगे? नहीं कोई बात नहीं, आप कोई आपसे ये नहीं कह रहा है, हम एक बात बता रहे हैं। ठीक है यार बिल्कुल बढ़े, आप यही बात कह देंगे कि हम जहाँ पे एक बड़ा एक शेर है कि जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है, अगर हम अपना काम जिस फील्ड में हो उसको ईमानदारी से करें अच्छे से करें और ये सोच के करें कि हम देश के लिए कर रहे हैं। मतलब बाराबंकी में एक पहले एक शायर गुजरे हैं यहाँ पे, उनका नाम था शमशी मिनाई, बड़े शायर थे वो, बड़ा नाम था उनका। तो वो कहते हैं एक बार बाराबंकी कहीं से आ रहे थे और यहाँ पे गोरखपुर में उनको कोई मुशायरे में गए होंगे, वहाँ से उन्होंने जो ट्रेन पकड़नी थी जब पहुँचे टिकट लेने के लिए तो वहाँ पे एक TT मिल गया और उसने कहा अरे सर हम आपको पहचानते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े शायर हैं, आइए आइए आप हमारे साथ चलिए। तो उनका बेटा मैं टिकट ले लूँगा। अरे टिकट की क्या ज़रूरत है, अब TT चाहे जिसको, वो जबरदस्ती करके उनको उसमें ले कर चला गया, बैठा लिया। फिर वो जब यहाँ बाराबंकी आए तो उनको लगा कि यार ये हमने देश के लिए अच्छा नहीं किया, हम फ्री में आ गए ना, क्योंकि इसको ये वो तो है नहीं कि यार टीटी किसी को ले जा सकता है। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पे जाके एक टिकट खरीदा, उसको फाड़ के फेंक दिया, फिर चले गए। तो देश के लिए जब आप कुछ करना चाहते हैं भावना होती है तो ऐसे ही होती है कि आप किसी भी फील्ड में हो लेकिन करें देश के, है ना। हाल ही बातों से देशभक्ति नहीं होगी, है ना। आप जब बनेंगे आगे ना पूरा जी जान लगा के करिए। बिल्कुल सर, है ना। और क्या सोचना है आपके बारे, आपका जो है आने वाले जो बच्चे हैं उनकी तैयारी वो कैसे करें इसके बारे में क्या कहें? सर सबसे पहली बात तो है कि क्लास के नोट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे को। सर क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं तो घर में भी अच्छे से पढ़ाई मन लगता है। अगर सर बच्चे अगर पढ़ने में फोकस रहेगा या कंसिस्टेंसी बनाए रहेगा तो सर उसको कामयाबी तो मिलना है ही। तो बच्चों को चाहिए क्या कि कभी भी सर कंसिस्टेंसी ना ब्रेक करें, जितना कोशिश करें कंसिस्टेंट रहें और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल मतलब डीमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। मोटिवेशन के लिए उनके पास कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे वो डेली मोटिवेट होते रहे, ऐसा ही होता है। ये देखिए बहुत हंस रही है, इससे बात करते हैं यार। क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रही हैं आप? सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूं। कहां से कहां कर रही हैं, मतलब कोचिंग करके? सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी में आप बहुत लोग हमने देखा बाराबंकी से भी एक IPS भी हुए हैं वो भी सेल्फ स्टडी से गए, तो कितना मुश्किल होता है सर?
मुश्किल नहीं होता, आई थिंक क्योंकि टेक्स्ट बुक्स मेन पढ़ना होता है, और आज के टाइम पे क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं कि आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और फिर बाहर रहना कहीं ना कहीं, वैसे तो हम लोग बाहर ही रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, बट हाँ वो थोड़ा तो और अलग जगह जाके रहना फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, इससे बेटर होता है कि आप अपने होम टाउन में रहें तो ज़्यादा ईजी होता है। तो ये कहते हैं ना, आप लोग जो तैयारी करते हैं ना, एक दूसरी दुनिया हो जाती है, पूरी दुनिया से कट जाते हैं, ऐसा ही टीवी पिक्चर और स्पोर्ट्स ये सबसे दूर हो जाते हैं। नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, कभी कभी हो जाता है, बट थैंकफुल कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो उस चीज़ में हमेशा खींचे रहते हैं कि नहीं आपको मतलब थोड़ा सा होना चाहिए, आप बाहर निकलिए और आप लोगों से मिलिए या आप मूवीज़ वगैरह भी इंजॉय करिए, मतलब कभी फैमिली से ये प्रेशर नहीं रहा है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं यही करना ही करना है, या ये है कि 15 दिन में आप कोई मूवी देख लीजिए कुछ देख लीजिए, तो उससे रहता है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल गया फिर से आपकी वही एनर्जी वापस आ जाती है। ये बताइए, अभी मैंने देखा ना कुछ टाइम से लोगों का जो है थोड़ा सिविल सर्विसेज से मोह भंग हो रहा है, कुछ बच्चों का कम हो रहा है, पहले जब हम लोग बात करते थे किसी से इंटरव्यू करते थे तो उसका पहला टारगेट मुझे IAS बनना है, ऐसा क्यों? इसके कई रीजंस हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के समय में जैसे कि आप देखते हैं कि जो अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है या इसकी वजह से अलग जो करियर ऑप्शन है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो लोग इस वजह से भी मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं अलग अलग सेक्शंस में। IAS जो होते हैं उनके पास पैसा खूब आ जाता है, तो लोग कहते हैं ना हम यार इसलिए बनना है कि हमको अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है, इच्छाएं जितनी इंसान की वो इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ बन के कुछ देश के लिए कर जाओ, इच्छाओं की कितना मतलब कितनी कैपेसिटी होती है इच्छाओं की? इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती है ना, इच्छाएं तो हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मतलब क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा ये है कि मुझे कंट्री के लिए भी करना है, बट मुझे अब मतलब जो मेरी इच्छाएं हैं या जो मुझे लाइफ में करना है मुझे वो भी साथ में लेके चलना है, तो बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, कंट्री के लिए करने पहले खूब बातें होती है ना कंट्री के लिए करने, लेकिन जब हो जाते हैं ना तो वो एक सिस्टम का एक पार्ट हो जाते हैं। हाँ कह सकते हैं। कोई है ऐसा आगे जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ? सभी हैं, मतलब सब, जैसे सृष्टि जैन देशमुख हैं उन्होंने काफी अच्छा किया, टीना डाबी मैम ने काफी अच्छा किया, तो हर साल निकलते हैं, हर साल सब अच्छा करते हैं, जब तक हम नहीं बनते हैं तो जो निकलते हैं वो इंस्पिरेशन ही रहते हैं। चलते चलते लास्ट में सर आपसे ये कहना है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और वो बच्चे जो है अब आगे उनको अगर बढ़ना है तो उनके लिए क्या मैसेज कहना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज सिर्फ इतना है कि बेटा पंक्चुअल रहो, सिंसियरिटी पे करोगे क्लास में तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, 100% रिजल्ट। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे आप में आप नहीं दिखाई देते हो, आप में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। कभी कभी मैं जब तुम्हें डांट देता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है बोर्ड से, और आप दोबारा क्वेश्चन करते हो तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मेरा बच्चा भी इसी तरीके का सोच रहा होगा या नहीं कर पा रहा होगा, तो मुझे दोबारा बताना चाहिए और मैं फिर बताता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर एक कंटिन्यूस हम लोग यहाँ मेहनत करते रहें, बच्चे हमें मिलते रहें, बच्चे सपोर्ट करते रहें, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर और इससे भी बढ़िया रिजल्ट हम बहुत शुक्रिया। थैंक यू।